फायदे उठ चुके से हैं। आज 22 तारीख है, 21 तारीख है और अदानी पावर का अपडेट लेके आया था। अदानी पावर जो 18 तारीख को क्लोजिंग दिया है, 18 अक्टूबर को 64.15 रुपये का आया है। एक कंटिन्यूस स्ट्रेंथ दिखा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं पोजिशन लोग लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। अगर इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी देखें तो खास ना कहीं ठीक ही ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज भी जहाँ 51% दे रहा था 15% मतलब बहुत खास नेगेटिव तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं ऊपर की ओर एक बार 68 के आसपास 70 के आसपास आपको जाता फर्स्ट टारगेट मिल सकता है। अगर उसको क्रॉस करके होल्ड करता है तो वहाँ वॉल्यूम जनरेशन करता है तो ये 90 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। जैसे अदानी ग्रीन ने क्रॉस कर करके ब्लू जोन स्काई में जाकर 92 बनाया है, वैसे ही अब अदानी पावर की बारी है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें वॉल्यूम बनते हुए दिख रहा है और ये 68 और वहाँ से क्रॉस करता है तो 90 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। अदानी पावर पे वॉचलिस्ट रखें, ध्यान में रखें, ये एक अच्छा स्क्रिप्ट आगे कमिंग डेज में बन सकता है। ये कहीं ना कहीं जो अपना 50 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल 61 उसको होल्ड करता हुआ दिख सकता है और ये ऊपर की ओर अभी निकल रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर देखेंगे तो स्टॉक सारे सही इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है जो देखने को मिल सकता है। ये पहला टारगेट 68 और अगर इसको क्रॉस करता है तो 89 और 55 के स्टॉप लॉस से इसको रखिएगा। 55 का स्टॉप लॉस टूटता है तो फिर एक बार ये नीचे की ओर जा सकता है, बट 55 के स्टॉप लॉस से ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो एक अपर पैटर्न बना रहा है, अपर हाइयर लो बॉटम बना रहा है, हाई बना रहा है, लोअर अप बना रहा है। ये लो जो बन रहा है हर बार अप साइड में बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा पैटर्न है। और जब ये ट्रायंगल का ये फॉर्मेशन तोड़ेगा, ये ट्रायंगल जो तोड़ेगा तो यहाँ से आपको फिर ये 90 की ओर जाता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम भी ठीक ही ठाक हो रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं अदानी पावर में वॉचलिस्ट रख सकते हैं। पहला टारगेट इसका डेली बेसिस पे देखें तो 68 की ओर जाता हुआ ये आपको दिख सकता है। नीचे 58-55 पे यहाँ पे बॉटम है बोलिंगर बर्ड्स में, इसलिए 55 का लॉन्ग टर्म के लिए आप सपोर्ट इसको ले सकते हैं। अगर मैं इसको अंडरलाइन इसके डेरिवेटिव में जाकर के देखो तो कहीं ना कहीं अनवाइंडिंग पोजीशन बन रही है। बाइंग में 20 लाख है, सेलिंग में 43 लाख है। तो हो सकता है कि आपको 68 पे जाता हुआ वहाँ पे जाता हुआ थोड़ा थकता हुआ दिखे। रिसेंटली देखेंगे जो वॉल्यूम हो रहा है, वॉल्यूम के सामने जो डिलीवरी हो रही 14%, 21%, 31%, 31%, तो कहीं ना कहीं पोजीशन इसमें बन रही है और कोई ना कोई इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करके होल्ड कर रहा है। एक चीज़ नोट करें, फाइनेंशियली ये है जो प्लीज रखा हुआ 47% है। अच्छी चीज़ ये है कि FI ने मार्च के कंपेरिजन में जून में पोजीशन अपने को बढ़ाया है और होल्डिंग जो प्रमोटर की है वो कॉन्स्टेंट बनी है। और जो इसमें इंडिविजुअल होल्डिंग है 3.86 में, FI जो है 136 FI है, एक प्लस पॉइंट के रूप में है। और अगर रिटर्न की बात करें तो रिटर्न भी अच्छा दे रहा है। वन डे, वन वीक, वन मंथ, थ्री मंथ सब देखेगा, फिफ्थ वन, फाइव ईयर, ये एक अच्छा रिटर्न दिया है एक्सेप्ट 10 ईयर को छोड़ दे तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में ये आउट परफॉर्म कर रहा है। डिविडेंड नहीं दे रहा है, ये एक प्रॉब्लम है खाली बस। तो अदानी पावर पे एक वॉच लिस्ट रख सकते हैं, 68 90 के टारगेट के साथ हो सकता है ये ऊपर की ओर जाए। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, व्यू है, मेरा कोई बाइंग और सेलिंग एडवाइस नहीं है। आपको अगर मार्केट में कोई भी पोजिशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यस बैंक अदानी पावर एक अच्छा पॉजिटिव व्यू है और 55 के स्टॉप लॉस से आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हो सकता है ये आपको 68 और फिर वहाँ क्रॉस करता 70 क्रॉस करता और स्टे करता और वॉल्यूम रहता तो 90 की हो जाता हुआ दिख सकता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।